हाय फ्रेंड्स, मैं कुंदर कुमार। हमारे चैनल के अर्निंग ट्रिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए फिर से मैं एक न्यू वीडियो लेकर के आ चुका हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि इस वीडियो के थंबनेल पर आपने देख ही लिया फ्रेंड्स कि आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, इंडिया बेस्ट रिचार्ज पोर्टल ईजी पे के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स, ईजी पे के बारे में आप लोगों को पहले मैं भी कुछ सारे वीडियो बना करके दे चुका हूँ। तो इस वीडियो में ईजी पे का कुछ अपडेट्स आप लोगों को बताने वाला हूँ और कुछ कमीशन डिटेल्स में बदलाव वो सारा चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि ईजी पे में आप लोगों को UPI एड मनी मिल जाता है, साथ ही में मनी ट्रांसफर की सिस्टम मिल जाती है और साथ ही में आप लोगों को हमारे यहां से रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी अवेलेबल है, जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। तो आपको ये जो डिस्प्ले पर कमीशन दिख रहा है, ये मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन है। और रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन जानने के लिए आप वीडियो को इसी तरह से शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल के अर्निंग ट्रिक्स को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही में बगल के बेल आइकन घंटे को दबा दें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं ईजी पे एप्लीकेशंस को और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कैसे इसमें एड मनी होता है और कैसे रिचार्ज होता है, वो सारा प्रोसेस समझते हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग ईजी पे एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं ईजी पे एप्लीकेशंस के पास और देख सकते हैं ये हमारा ईजी पे एप्लीकेशंस है। तो मैं कर चुका हूं इसे ओपन और आप देख सकते हैं हमारा वॉलेट में 84 रुपीज बैलेंस अवेलेबल है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड मिलेगा। उसके बाद इस डैशबोर्ड में आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा मोबाइल रिचार्ज, पोस्ट पेड, ये सारा चीज ऑप्शंस आप लोग यहां पर देख सकते हैं अपने डिस्प्ले पर। उसके बाद या मिडिल के आइकन में आप लोगों को एक अकाउंट का ऑप्शंस मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आप लोगों को पैकेज का, कमीशन का, रिपोर्ट, सारा चीज यहां पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये थर्ड आइकन मिल जाता है जो प्रोफाइल का आइकन आप लोगों को मिलता है। यहां पर आप लोग अपना यूजर ऐड कर सकते हैं, यूजर देख सकते हैं कौन कौन यूजर है, कंप्लेन कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को आप विजिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी डैशबोर्ड है। उसके बाद हम लोग चलते हैं होम वाले आइकन पर और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग का एड मनी कैसे होगा। एड मनी करने के लिए एड मनी का एक ऑप्शन यहां पर UPI अवेलेबल है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर मिनिमम जो एड मनी का रिक्वायरमेंट है वो 500 का है, यानी कि आप मिनिमम एड मनी 500 का कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको भीम UPI, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यानी कि इस चारों में से आप जो यूज करते हैं उस पर क्लिक कीजिए, आ जाइए वहां पर, अपना पिन डालिए, आपका इंस्टेंट एड मनी हो जाएगा। और एड मनी में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मिलेगा उसी पर आपका 24x7 सोल्यूशन भी मिलेगा। तो उसके बाद ये हो चुका है एड मनी प्रोसेस। उसके बाद रिचार्ज की प्रोसेस के बारे में हम लोग जानते हैं कि इससे रिचार्ज कैसे कर पाएंगे। उसके बाद जानेंगे मनी ट्रांसफर। तो रिचार्ज के लिए प्रीपेड पर क्लिक करेंगे। यहां पर जैसे कि आप लोगों को मैं एक रिचार्ज करके दिखा देता हूं, एक नंबर पे मैं यहां रिचार्ज कर देता हूं। जैसे कि ये जियो का नंबर है और ये झारखंड बिहार का नंबर है। मैं 10 रुपये यहाँ पर डाल देता हूँ इसका प्लान में और यहां पर मैं रिचार्ज करके आप लोगों को दिखाता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा रिचार्ज हो रहा है। तो देख सकते हैं ये सक्सेस रिचार्ज हो चुका है। यहाँ पर जैसे सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद आपका जो नंबर होगा उस पर इंस्टेंट रिचार्ज हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा ऊपर से नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो इस प्रकार से रिचार्ज आपको करना है और ये काफ़ी बेहतरीन एप्लीकेशन है जो आपको इंस्टेंट रिचार्ज प्रोवाइड करेगी। और कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन कस्टमर द्वारा काफ़ी शानदार सपोर्ट आप लोगों को दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हो चुका है। अब हम लोग जानेंगे इसमें मनी ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। तो मनी ट्रांसफर जो आप लोग सोच रहे हैं फ्रेंड्स, वो मनी ट्रांसफर यानी कि वो आपका बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर का ऑप्शन इस एप्लीकेशन में नहीं है। मनी ट्रांसफर यानी कि इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जो आप अपने डाउनलाइन यानी कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के अंदर जो यूजर ऐड करेंगे उसमें कैसे आप बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए यहां पर आपको क्लिक करना है, उस रिटेलर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको डालना है और यहां पर आपको उसको कितना बैलेंस देना है वो डालना है और रिमार्क्स में जो डालना चाहे वो डाल सकते हैं। उसके बाद अपडेट करेंगे तो आपके अंडर जो भी रिटेलर है, जो भी बैलेंस आपके वॉलेट में रहेगा आप देना चाहेंगे उसकी आईडी में इंस्टेंट चल जाएगा। तो इसी प्रकार से मनी ट्रांसफर करना है तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा जिसे कॉलिंग और व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट करके बहुत ही आसानी से इसकी आईडी ले सकते हैं और इसकी पूरा कमीशन डिटेल्स जो होगी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।